फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज आलू टिक्की बर्गर। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वेज टिक्की बर्गर बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 आलू मीडियम साइज के। उन्हें उबालकर हमने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी हमने बंद गोभी ली है, इसे बारीक बारीक काट लिया है। पोहा लिया है, इसे धोकर रख लिया है। कॉर्नफ्लावर लिया है, म्यूनिस सॉस ली है, टमाटो सॉस और एक गाजर ली है, उसे बारीक बारीक काट लिया है। मटर लिए हैं और मसालों में हमने लिया है नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और चाट मसाला और प्याज की स्लाइस ली है। अब हम तैयार कर लेते हैं टिक्की बनाने के लिए सामान। एक चम्मच हमने ऑयल डाला है कढ़ाई में, इसे थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा है। इसके अंदर हम गाजर और मटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, गाजर और मटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फिर इसमें हम मसाले मिलाएंगे। आप देख सकते हैं गाजर और मटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इन्हें हम हिला लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे आलू। अब हम गैस बंद करके आलू और पोहा इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक डो तैयार करेंगे। हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हमने आलू और पोहा डालकर गैस बंद कर दी थी और इसे मिक्स करा था। अब इसमें हमने डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और हम इसे अच्छे से मिक्स कर फिर एक टिक्की को शेप बना के रख लेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इससे टिक्की बनाकर रख लेंगे। आप देख सकते हैं आलू का डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको टिक्की की शेप में तैयार कर लेते हैं। पहले हम हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे और इसमें से आलू का डो लेंगे। टिक्की का जो साइज है हम बर्गर के साइज का रखेंगे उसे। इसको इस तरह से घुमाते हुए राउंड शेप देकर ऐसे प्रेस करेंगे। और फिर हम इसको इस तरह से गोल गोल घुमाकर चपटा कर लेंगे सही से। इसी तरह से हम बाकी टिक्की भी अपनी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। थोड़ी सी टिक्की हमने पतली बनानी है। आप देख सकते हैं बर्गर के साइज की टिक्की बन चुकी है। इसे थोड़ा सा हाथ से बस यूं घुमाना है गोल गोल और प्रेस करके रख देंगे। अब बाकी टिक्की भी हम इसी तरह से अपनी तैयार करेंगे। टिक्की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। जितना हमने मसाला तैयार किया था आलू पोहे का और मटर और गाजर का, उसमें हमारी 6 टिक्कियां बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। टिक्की को तलने से पहले हम कॉर्नफ्लोर में कोट कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर मैंने सूखा ही लिया है। इस तरह से हम टिक्की की दोनों साइड पे कॉर्नफ्लोर लगाकर उसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। किनारों पर भी हम इसे अच्छी तरह से लगा लेंगे। इस तरह से कॉर्नफ्लोर में टिक्की कोट कर तलने से घी भी नहीं पीती और बहुत क्रिस्पी बनती है। तो आइए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे इस तरह से पौनी पे रख के हम कढ़ाई पे डालेंगे तो बड़े आराम से हम इसे कढ़ाई में तलने के लिए डाल सकते हैं। अब इसी तरह से हम अपनी दूसरी टिक्की भी तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं टिक्की तलनी शुरू हो चुकी है। अब ये हमने दूसरी टिक्की भी इसी तरह से कोट कर ली है कॉर्नफ्लोर में, चारों तरफ से घुमाकर अच्छी तरह से इसे कोट कर लेंगे। अब इसे भी हम तलने के लिए कढ़ाई में डाल देते हैं। हम अपनी बाकी सारी टिक्कियां भी इसी तरह से कॉर्नफ्लोर लगाकर चारों तरफ से मीडियम गैस पर फ्राई करेंगे। अब हम टिक्की को पलटकर दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से
पलट कर हम दोनों साइड से टिक्की को सेक लेंगे अच्छी तरह से। और जितनी देर में हमारी टिक्कियां फ्राई हो रही हैं उतनी देर में हम गोभी और मेयोनीज की अंदर बर्गर में लगाने के लिए एक फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसे मैंने 2 चम्मच मेयोनीज मिक्स किया है, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करूंगी काली मिर्च, और हल्का सा इसमें डाला है नमक। ये हमारी गोभी और मेयोनीज की एक सॉस बनेगी जिसे हम बर्गर पर लगाएंगे। आप देख सकते हैं टिक्की हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी टिक्कियां भी फ्राई कर लेंगे और बर्गर तैयार करेंगे। आप देखिए इसका कलर कितना अच्छा है, कितनी क्रिस्पी बनी है टिक्की। अब हम बर्गर तैयार करेंगे। बर्गर को मैंने बीच में से कट करके रख लिया है 2 पार्ट्स में। इसके अंदर हम फिलिंग लगाएंगे और सबसे पहले हमने 1 चम्मच मेयोनीज ली है, इसे हम 2 चम्मच टमाटो सॉस मिक्स करके बर्गर के अंदर लगाने के लिए एक सॉस तैयार करेंगे। अब बर्गर में सबसे पहले हमने लगानी है गोभी और मेयोनीज की फिलिंग। इस तरह से इसे नीचे लगाकर ऊपर हम इसके टिक्की लगाएंगे, इसके ऊपर हम प्याज के रिंग्स रखेंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, और ऊपर वाले पार्ट के अंदर ऊपर हम ये वाली सॉस जो हमने मेयोनीज और टमाटो सॉस से मिलाकर लगाई है ये लगाएंगे, और इसके ऊपर ऐसे कवर कर देंगे। इसी तरह से हम अपना दूसरा बर्गर भी रेडी करेंगे। इसके ऊपर टिक्की लगानी है, इसी तरह से फिर प्याज के रिंग्स रखने हैं, थोड़ा सा चाट मसाला और मेयोनीज टमाटो सॉस। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए ग्रिल करेंगे टोस्टर में। मैं इसे टोस्टर में ग्रिल कर रही हूँ, अगर आपके पास टोस्टर ना हो तो आप इसे तवे पे भी 1 मिनट के लिए रखकर थोड़ी देर ढककर रख सकते हैं, उससे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा बर्गर। इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसी तरह से थोड़ी देर के लिए इसको गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं बर्गर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें सर्व करते हैं और गरम गरम खाते हैं। आप देख सकते हैं बर्गर हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और कितने यमी लग रहे हैं, बिल्कुल बाजार की तरह देखने में लग रहे हैं और खाने में भी इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा। और इसमें जो मैंने बंद गोभी और मेयोनीज का मिक्स करके नीचे लगाया था वो एक इसका यूनिक पार्ट है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।